हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ अमेजिंग प्रसाद में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी हिट कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कलयुग में भगवान के नाम जप तप कीर्तन का महत्व। आज हम जानेंगे भगवान के जप तप और कीर्तन करने का महत्व। दोस्तों, हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग कलिकाल यानी कलयुग में इस धरती पर आए हैं। बात यह है कि भारत भूमि पर हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों, मुनियों और युग दृष्टाओं ने उसी काल में यह उद्घोषित कर दिया था कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में कठिन तपस्या, यज्ञ आदि से कलयुग के लोग मुक्त होंगे। उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हेतु उनकी कठिन तपस्या साधना नहीं करनी है। भारतीय पौराणिक धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण में इसका उल्लेख है। आधुनिक काल में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में सभी ग्रंथों का रस समहित है। युग दृष्टा तुलसीदास ने अपने निजी अनुभवों के आधार पर यह विश्वास दिलाया कि कलिकाल यानी कलयुग में जीवों को गाते बजाते केवल नाम जप तप सुमिरन और भजन कीर्तन से ही मुक्ति मिल जाएगी। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमिर सिमिर कर उत्तर ही पारा, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाओ। तो देखे भक्तों, एक कितनी बड़ी कृपा है हमारे भगवान ने हम सभी पर की है, यानी कलयुग के जीवों के ऊपर। दोस्तों, एक बात और, मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरे कहने पर आप भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करें, आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, आप जिन्हें मानते हैं उनकी पूजा करें, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं उनकी पूजा करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप जिसकी भी पूजा करें अपने पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। और चलते चलते दो लाइन आप सभी के लिए, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।